एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैम आपकी आवाज नहीं, नाउ इज इट ओके? यस मैम। ओके, y is equal to log 2x raised to power sin 3x we are having, this is variable raised to power variable, तो इसको हम log वाले method से करते हैं, so taking log on both sides, log y is equal to log of, इसके आगे हमने log लगा दिया, बाकी ये वाली term as it is आ गई, जब भी log m raised to power आपका n होता है, आप power आगे ले आते हो, तो this will become sin 3x into log of log 2x, आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है, अदरवाइज बिना सॉल्व किए आपको पता है वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल में जो टर्म हमें गिवन होती है वो एज इट इज आगे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, जिसने ये स्मार्टली किया होगा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ऑप्शन बी में आपका लॉग 2x इंटू साइन रेज टू पावर 3x एज इट इज आ रहा था, बाकी और किसी ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, और अगर बोर्ड वाले और स्मार्ट बनते हैं तो वो ये चीज दो ऑप्शन में डाल सकते। तो अगर इन केस जैसे यहाँ आया था एक ऑप्शन में log 2x raise to power sin 3x था, आप डायरेक्टली लिख सकते थे विदाउट सॉल्विंग, बट अगर दो ऑप्शंस में है देन इसको सॉल्व करके आप करेंगे। क्या आएगा अब इसका, टेकिंग log on both sides, differentiating both sides, बोलो अब मुझे आंसर्स आप दोगे, पढ़ के आया करो घर से। हाँ जी, नोटबुक मैथ्स बच्चे जितना आप रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना इस सब्जेक्ट पे आपका होल्ड होगा। हाँ जी, लॉग वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई, अब क्योंकि वाई फर्दर डिफरेंशिएबल है तो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू यू इंटू वी। क्या होता है डेरिवेटिव यू इंटू वी, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन की फॉर्म में, तो दिस इज वन अपॉन लॉग ऑफ टू एक्स, लॉग ऑफ टू एक्स आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है तो क्या आएगा वन बाय टू एक्स इंटू टू एक्स, फर्दर डिफरेंशिएबल है तो अगेन इसका डेरिवेटिव इंटू टू। दोबारा देख लो इसको, यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव हम ले रहे थे, लॉग का डेरिवेटिव जो है दैट इज वन अपॉन जो भी चीज यहाँ पे होती है, तो ये लॉग की जगह वन अपॉन ये ब्रैकेट एज इट इज आ गई, ये आपका फर्दर डिफरेंशिएबल था, लॉग टू एक्स का डेरिवेटिव इज वन अपॉन टू एक्स, टू एक्स फर्दर डिफरेंशिएबल है तो टू एक्स का डेरिवेटिव इज टू। क्लियर, चेन रूल लग गया यहाँ पे। देन प्लस अब वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू, वी क्या है लॉग ऑफ लॉग टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस ऑफ 3x और 3x आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है तो दिस इज इनटू 3। तो क्या आएगा यहाँ पे, अब सिंप्लीफाई करिए, दिस इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो रही है तीनों टर्म्स आपकी, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, यहाँ पे क्या रह गया आपका साइन 3x इनटू 1 अपॉन x log 2x प्लस 3 cos 3x log ऑफ log 2x, और ये वाला जो y है जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और y की वैल्यू मैं यहाँ पे अपोर्ट कर रही हूँ, दिस इज log 2x raise to power sin 3x, तो ये वाली टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई हो रही है और ब्रैकेट है आपके, सो ऑप्शन बी वाज योर आंसर, दिस इज 3 cos 3x log ऑफ log 2x प्लस sin 3x अपॉन x log 2x और बाहर ये एज इट इज, ऑप्शन बी वाज योर आंसर। क्लियर, अदरवाइज अगर ऑप्शंस में इस तरह की ऑप्शन एक सिंगल है तो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल में हमेशा जिस चीज को आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हो वो यहाँ पे एज इट इज आपकी मल्टीप्लाई होती है, तो आप डायरेक्ट भी उसको कर सकते हो, अगर सिंगल ऑप्शन है, दो ऑप्शंस हैं देन डोंट टेक अ रिस्क, उसको सिंप्लीफाई करो एंड देन मार्क योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इफ वाई इज इक्वल टू, ये हो गया नोट डाउन, इफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14 नाउ।
चलो जी, सिंपल है टर्म, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। लॉग का डेरिवेटिव है, अभी कर रहे हैं, बोलते जाओ, आंसर दो ताकि प्रैक्टिस हो। लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन की फॉर्म में, दिस इज वन अपॉन, जो ब्रैकेट में है वो एज इट इज, दिस इज फर्दर डिफरेंशिएबल, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और अब ये फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव इज सेम एज इट इज ई टू द पावर एक्स, ये माइनस बाहर ले लेंगे, साइन अपॉन कॉस सेम एंगल है, साइन अपॉन कॉस इज टेन, और ई टू द पावर साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन जो है बी वॉज योर आंसर, दैट इज गिवन माइनस ई टू द पावर एक्स, ये चीज आगे गिवन थी ऑप्शन में, ये पीछे गिवन थी, तो मल्टीप्लाई आपको पता है प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉम्यूटेटिव, तो ऑप्शन बी वॉज योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस फोर एक्स, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, इंटरवल्स गिवन थे, हमें बताना है कि फंक्शन कहां पे डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, पुट दैट इक्वल टू जीरो, फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके वी फाइंड आवर आंसर। क्या करें, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस फोर। अब मुझे जो वैल्यू है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, टेन की टर्म्स में फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, सीकेंट स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेती हूँ टेन में, तो सीकेंट स्क्वायर टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दिस इज टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस फोर, सो दिस इज टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, नाउ पुट दिस इक्वल टू जीरो एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री को जीरो पुट करोगे कितना आएगा, टेन एक्स माइनस पाई बाय थ्री एंड पाई बाय थ्री। अब इसको जब आप चेक करोगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं दैट विल फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग इन बिटवीन माइनस पाई बाय थ्री टू पाई बाय थ्री, ठीक है, क्लियर। टेन एक्स को जब आप लेके चलते हो तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू को बिलोंग करते हैं, अब ये माइनस पाई बाय थ्री और पाई बाय थ्री है, तो जब आप इसको प्लॉट करोगे नंबर लाइन पे आगे नहीं लेना, हमने सिर्फ इसी में चेक करेंगे, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, हमें डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है तो लेस देन जीरो लेके चलेंगे, तो लेस देन जीरो मींस माइनस पाई बाय थ्री से पाई बाय थ्री, सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो आंसर बनना था। आई होप कि अब आपको लग रहा होगा पेपर इतना मुश्किल नहीं था, है ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, तो अब प्रैक्टिस करोगे बच्चे कभी होगा काम, अदरवाइज इट्स टू डिफिकल्ट। Still you people are lucky कि अभी timely आपको पता लग गया है कि कितनी और आपको practice की जरूरत है। So shall we move to question number 16? This is okay. Question number 16. At what point the slope of the tangent to the curve is zero? Curve हमें given है x square plus y square minus 2x minus 3 equal to zero. At what point the slope of the tangent to the curve is zero, ठीक है, हमें पॉइंट निकालना है जिसपे इसकी जो स्लोप है, इस पे जो टेंजेंट है वो जीरो होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी जीरो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा, टू एक्स प्लस टू वाई वाई डैश, y further differentiable है with respect to x, हम इसको differentiate कर रहे हैं, minus 2 is equal to 0, 2 common ले लिया, x plus y y dash minus 1 is equal to 0, हमें y dash की value निकालनी है, तो बाकी सभी terms right hand side पे ले जाएंगे, क्या बन जाएगा ये, 1 minus x और y dash is equal to 1 minus x upon y। अब उसने क्या कहा, at what point the स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो, ये आ गई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये किस पॉइंट पे जीरो है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे,
सो दिस इज 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जीरो, 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होके दिस विल गिव यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1. अब पॉइंट के लिए जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो होगी इट मींस वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है 1. वी आर टू फाइंड पॉइंट के लिए यू नो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों लेके चलते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई. पुट करो जल्दी से, बताओ वाई की वैल्यू क्या है. पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन दिस. हां जी प्लस माइनस 2, बिल्कुल ठीक है, यानी कि पॉइंट्स आर 1 कॉमा माइनस 2 एंड 1 कॉमा 2. सो इसका आपका ऑप्शन डी आंसर था. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन x एट 0 कॉमा 0. हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है कर्व y इक्वल टू साइन x पे, और पॉइंट गिवन है 0,0. ये भी सिंपल था क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड है. y इक्वल टू साइन एक्स, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लोगे क्या आएगा, साइन का कॉस. ठीक है, अब हमें क्या दिया उसने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ये किसकी स्लोप आई है, टेंजेंट की. स्लोप किसकी निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल की, टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. क्या आएगी, n इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल ओवर हियर, तो दिस इज माइनस 1 बाय कॉस एक्स. पॉइंट आपको क्या गिवन है 0,0, तो दिस विल बी माइनस 1 अपॉन कॉस 0, दैट इज माइनस 1. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सारा इतना डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वेन एवर यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं. क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम निकाल रहे हैं, x माइनस x1. सो दिस इज y इक्वल टू माइनस x, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 0. तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाना था. देन क्वेश्चन नंबर 18. कर्व्स y इक्वल टू a e टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x विल कट ऑर्थोगनली इफ नीचे कंडीशंस हमें गिवन थी. ऑर्थोगनली कट कर रहे हैं मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमने क्या कंडीशन लगा देनी है कि इनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1. इनके जो टेंजेंट्स हैं उनकी स्लोप का प्रोडक्ट इज माइनस 1. द कर्व्स अगर ऑर्थोगनली कट कर रहे हैं तो उनके जो टेंजेंट्स हैं वो भी ऑर्थोगनली कट करेंगे, राइट एंगल पे कट करेंगे, तो इनके जो है आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकाल के प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है. क्या आएगा फर्स्ट वाले का, ये मैंने करवाया भी हुआ था क्वेश्चन क्लास में, क्या आएगा डेरिवेटिव a e टू द पावर x. नेक्स्ट वाले का माइनस b e टू द पावर माइनस x. अब सिंस दे कट ऑर्थोगोनली तो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज माइनस 1. ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ये ब्रैकेट्स में थे ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे थे. e टू द पावर x इनटू e टू द पावर माइनस x, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. जब आप पावर्स ऐड करोगे x माइनस x इज 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1. तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ए बी इज इक्वल टू 1. तो ऑप्शन सी वॉज योर आंसर. उसके बाद था द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. x cube minus 18x square plus 96x in the interval 0 to 9. You are to find the smallest value, यानी कि absolute minima. क्योंकि interval closed interval आपको साथ में given है, आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी find the highest value, largest value, smallest value आता है
और क्लोज इंटरवल आपको साथ में गिवन है, इट मींस यू आर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू, मैक्सिमा या मिनिमा डिपेंडिंग ऑन की हाईएस्ट पूछा है या स्मॉलेस्ट पूछा है. तो यहाँ पे उसने स्मॉलेस्ट पूछा है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट मिनिमा. ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमा का क्या मेथड है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू फाइंड द डेरिवेटिव, देन क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूडिंग दीज टू पॉइंट्स, आपने एफ की वैल्यू सभी पॉइंट्स में निकाल लेनी है, एंड देन जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? अब इसको इक्वल टू जीरो मैंने पुट कर दिया, क्या आएगा? ये उधर गया, हट गया, ये रह गया, फैक्टर्स क्या बनेंगे? ये आ गया, और साथ में ये दो पॉइंट्स और हैं आपके, जीरो एंड नाइन. तो यानी कि एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ फोर, एट एंड एफ ऑफ नाइन, ये आपका एफ ऑफ एक्स गिवन है. तो बताइए क्या आएगा? एफ ऑफ जीरो इज जीरो, एफ ऑफ फोर पुट करो इसमें जल्दी से, कितना आएगा? एक साल में ना ये भी भूल गए कि जब मैम कहते हैं पुट करो तो हमने करके देखना है, है ना? बैठे हुए हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गिव द आंसर बच्चे. आई मस्ट एप्रिशिएट मान्या एंड अभय, इन दो बच्चों की नोटबुक मुझे बिल्कुल क्लियर कट दिख रही है. अभय लिख क्या रहे हो वो नहीं दिख रहा वैसे मुझे, बट स्टिल योर नोटबुक इज विजिबल. हाँ जी, माइनस 16, जल्दी. ये नुकसान हुआ है लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस का, स्पीड कम हो गई है. वन हंड्रेड सिक्सटी, ठीक है. अगला एफ ऑफ एट एंड एफ ऑफ नाइन ऑल्सो. एफ ऑफ जीरो इज जीरो, एफ ऑफ फोर इज 160, एफ ऑफ एट आपका 128 आएगा, एफ ऑफ नाइन 156 आएगा. अब इनमें से मिनिमम वैल्यू बताओ मुझे कौन सी है? जीरो. तो ऑप्शन बी जो था इसमें आपका आंसर था. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट. स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेशनरी पॉइंट? स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम? जो आपका डेरिवेटिव होता है फंक्शन का उसको हम इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं. अब फंक्शन यहाँ पे हमें क्या गिवन था? एक्स टू द पावर एक्स, वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल है. तो कौन से मेथड से करना था इसको? लॉग वाले से. जल्दी से बताओ मुझे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बी क्विक. इसको y इज इक्वल टू की फॉर्म में ले लो अगर f ऑफ x की फॉर्म में डिफिकल्ट लग रहा है, और डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा. वैसे तो ये इतना कॉमन है आपको याद हो जाना चाहिए. हाँ जी, दिस इज एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, डेरिवेटिव आ गया. इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे क्या आएगा? ये चीज उधर जाके जीरो हो जाएगी. व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. log x is equal to minus 1 means we can write it as
वन को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, लॉग ई से। अब माइनस ऊपर पावर में चला जाएगा तो वी विल बी हैविंग लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर माइनस वन। लॉग है दोनों तरफ, एंटी लॉग लेके दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ई। सो ऑप्शन बी इसका आंसर था। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन मोस्टली सबका सही था। कर दूं इरेज़, ये हो गया, समझ आ गए। नाउ द 21st क्वेश्चन, द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी इज गिवन बाय ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मैं सिर्फ मेन मेन इसमें लिख रही हूँ, पूरा प्रॉपर वे में नहीं कर रही क्योंकि एमसीक्यूज हैं, हमें उसके नंबर नहीं मिलते। ए प्लस डी बी प्लस सी, अंदर वाले दोनों एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, बाहर वाले दोनों ऐड हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या चेक करना है, इसमें जो आपकी ऑप्शन थी दैट वर सिमिट्रिक रिलेशन ओनली, इक्वेलेंस, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। यानी कि हमें क्या चेक करना है, सिमिट्रिक चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। अगर तीनों होंगे तो इक्वेलेंस वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्शन दिख रही है, तो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर यहाँ जो रिलेशन है वो आपको टू एलिमेंट्स की फॉर्म में गिवन है, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, तो जो यहाँ ले रहे हो वहां पे भी ए कॉमा बी लेना है। ए इज रिलेटेड टू ए आपने नहीं लेना है, ये उस केस में लेना है जहां पे आपका जो रिलेशन गिवन होगा वो सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में गिवन होगा। यहाँ पे पेयर की फॉर्म में गिवन है तो आप पेयर की फॉर्म में ही उसको शो करोगे। सो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, क्या आएगा इसका रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन दिस, फर्स्ट वाला फोर्थ वाला ऐड करो और सेकेंड और थर्ड वाला ऐड करो, क्या आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन कॉम्यूटेटिव है तो बोथ ऑफ दीज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो इट मींस रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नाउ लेट अस चेक इट फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो दिस इंप्लाइज दैट सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तभी जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होता है। अगर ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, तो अगेन क्योंकि टू टर्म्स की टू एलिमेंट्स की फॉर्म में था तो हमने इसको उस तरीके से लिख लिया। अब अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी ये इम्प्लाई कर दे कि सी कॉमा डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तो रिलेशन जो है दैट विल बी सिमेट्रिक ऑल्सो। चेक करो रिजल्ट आ रहा है, ये गिवन है, यहां से क्या आया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब वो पूरा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि इसको वैल्यूज इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट पे लिख रहे हो, राइट को लेफ्ट पे लिख रहे हो और फिर कर रहे हो, यहां से सीधा लो फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करो, व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा, सी प्लस बी, इन दोनों को ऐड करो, व्हाट यू विल गेट, डी प्लस ए, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, ये दोनों चीजें सेम आ रही है तो रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। नाउ वी आर टू चेक इट फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ध्यान से देखना, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड ये सेम आपका रिपीट होता है ट्रांजिटिव के लिए, सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, यहाँ ये चेंज हो जाएगा, अगेन ध्यान रखना है इस चीज का। अब ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, क्या इंप्लाई करेगा ये, फर्स्ट एंड फोर्थ का सम ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, फर्स्ट एंड फोर्थ का सम सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई या ई प्लस डी, मैंने लिख लिया। अब इनको ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो डिपेंडिंग ऑन दिस जो भी होता है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ इस केस में हम ऐड कर देते हैं, यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो यहाँ हम इनका प्रोडक्ट ले लेते, फिर वो टर्म्स आपकी जो एक्स्ट्रा होती हैं वो कट जाती हैं। अब यहाँ पे देखो सी और डी इधर भी है इधर भी है, ये कट गया, वॉट वी आर लेफ्ट विद ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब इसको चेक करो, दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू फर्स्ट वाला एलिमेंट रिलेटेड टू फोर्थ वाला एलिमेंट ई कॉमा एफ। अब इसको चेक करो, फर्स्ट और फोर्थ का सम ए प्लस एफ इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड का सम बी प्लस ई, तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्टिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इट इज इक्वेलेंस रिलेशन।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सो ऑप्शन बी इसका आपका आंसर आ जाना था. नेक्स्ट वाला मोस्टली बच्चों का ठीक है. टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री. टेन की वैल्यू रूट थ्री कहाँ पे होती है? 60 डिग्री पे. वन बाय रूट थ्री कहाँ पे होती है? 30 डिग्री पे. तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय टू आपका इसका आंसर आ जाना था. वर्बली हो जाना था ये क्वेश्चन आपका. तो 22nd का बी पार्ट इज योर आंसर. टेन इनवर्स रूट थ्री आपका 60 डिग्री है. टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री 30 डिग्री है. तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री. नेक्स्ट वाला भी इजी था. 23rd भी, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 1101 एंड ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस 101 एंड माइनस 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इट मींस हमने बी को इलिमिनेट करना है. तो हमने यहाँ क्या करना है, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. उसके बाद नॉर्मल जैसे आप एडिशन करते हो, ये कैंसिल आउट हो गया. 2a plus a कितना हो गया आपका 3a. और जब आप इधर ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, क्या आएगा ऐड करके जल्दी से बताओ. तो a इज इक्वल टू 1 बाय 3 टाइम्स 1211. सो ऑप्शन ए वाज योर आंसर. Now question number 24. The corner points of the feasible region determined by the system of linear constraints. ये हमें given है corner points. उसके बाद हमें z भी given था. LPP के तो questions straightforward थे. I don't think कि आपको LPP में कुछ ज्यादा problem आई है. z हमें given था px plus qy. अब उसने क्या कहा हमें, condition on p and q so that the मैक्सिमम ऑफ जेड अकर्स एट बोथ द पॉइंट 15.15 एंड 0.20. अब आपको पता है जब हम एलपीपी के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है वो एक ही आती है. अगर दो पॉइंट्स पे वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स दोनों पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी. तो हमने क्या करना था, ये दोनों वैल्यूज जो है इस z में पुट करके दोनों को इक्वेट कर देना था. हमारे पास p और q की कंडीशन आ जानी थी. 15.15 जब आप इसमें पुट करोगे व्हाट यू विल गेट, 15p plus 15q. दिस इज इक्वल टू 0.20 पुट करो, ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे पुट करोगे तो दिस इज 20q. तो 15p इज इक्वल टू 5q. तो दिस इज 3p इज इक्वल टू q. तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर बनना था. क्यू इज इक्वल टू 3p गिवन था आपको ऑप्शन डी में. तो दिस इज योर आंसर. गॉट इट? एनी डाउट बच्चे? अगर लग रहा है मैं ज्यादा फास्ट करवा रही हूं तो बता देना. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. 25 में हमें गिवन था, अगेन आपको ग्राफ गिवन था. द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज शोन शेडेड इन द फिगर. जेड इज इक्वल टू 3x माइनस 4y. और इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट. चार ऑप्शंस गिवन थी. और अगर आप उधर से लेके चलते हो ग्राफ से देखते हो तो 6 आपके पास पॉइंट्स बन रहे थे. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एक एक पॉइंट पे ना निकाल के जो हमारी वैल्यूज हैं डायरेक्ट इन चारों को पुट करके भी आप कर सकते थे. ऑप्शन ए थी आपकी 0 0. तो जेड क्या आ गया आपका 0 0 0. देन सेकेंड ऑप्शन थी 0.8. क्या आएगा इस पे? माइनस 32. देन थर्ड ऑप्शन गिवन थी 5.0. क्या आएगा इसमें? 15. और इसपे 4.10. 12 माइनस 40. यही बन रहे 4.10 है ना. 4 3 12 माइनस 40 माइनस 28. अब इनमें से मिनिमम कौन सी है? तो 0.8 आपका आंसर आ जाना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉल्विंग द एलपीपी मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 6x प्लस 10y. इसमें आपको आई डोंट थिंक कि मोस्टली बच्चों को रिडंडेंट का मीनिंग पता था. जब आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया होगा तो ग्राफ इसका इस तरीके से प्लॉट हो रहा था. मैं सिर्फ एक से शो कर रही हूँ, यानी कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वाली जो लाइन थी वो भी इधर कहीं आपकी आ रही थी.
तो आपका ये फिजिबल रीजन बन रहा था, तो इस फिजिबल रीजन के अकॉर्डिंगली अगर ये लाइन और ये लाइन हम कट भी कर देते, हटा भी देते, रिड्यूस, रिडंडेंट का मतलब है कि अगर आप उनको वहां से रिमूव कर देते हो उन कॉन्स्ट्रेंट्स को, तब भी जो आपका ये रीजन बनना था ये यही वाला बनना, ठीक है। तो इट मीन्स आपका जो ये तीन इक्वेशन थी, ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर बना। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 26। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू टुमारो as the bell has gone. So if anyone will be having any doubt in the paper while checking, so you can come to me. Roll number 26 to 40, I have sent the message. You are to go in room number 3 for your papers. So thank you, have a nice day.